नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं अक्टूबर माह मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सन 2018 के अंदर किसी भी प्रकार का भूमि, वाहन इत्यादि आप अगर खरीदने का सोच रहे हैं या कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बिक पा रही है, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। आपकी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होने जा रही हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, प्रोग्राम को पूरा देखिए, आपको समझ आएगा। यदि आप हमारे बताए गए उपायों को पूरी तरीके से करते हैं तो आपकी जो भी भूमि या वाहन से संबंधित समस्याएं चलती आ रही हैं वो बहुत जल्द पूर्ण होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए सन 2018 अक्टूबर माह के अंदर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और वो मंगल वर्तमान समय में अपनी मकर राशि में उच्चस्थ अवस्था में केतु के साथ बैठे हुए हैं। उच्चस्थ अवस्था में होने के कारण यदि किसी भी प्रकार का कोई भूमि का काम अटका हुआ है, कोई ऐसे पुराना काम, पुराने धन आपने किसी को दिया और वो आप नहीं वापस ले पा रहे हैं, वो काम, ये दोनों ही काम आपके बहुत जल्द पूर्ण होने जा रहे हैं। इसके साथ मंगल भूमि और वाहन का कारक ग्रह है, इस वजह से वर्तमान जो समय है वो आपके विशेषकर मेष राशि वाले जातकों के लिए भूमि से संबंधित जो चलती हुई समस्याएं आ रही हैं वो बहुत जल्द दूर हो सकती हैं। क्या करें और क्या ना करें, क्या करना चाहिए, मेष राशि के जातकों के जो बड़े भाई हैं उनसे आप सलाह लें। सलाह कैसे लें, उनसे आप किसी भी प्रकार की अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उनसे उनके विषय में एक बार परामर्श लें या उनको अपना सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे वार्तालाप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। विशेष रूप से एक थोड़ी सी सावधानियां आपको बरतनी है, यदि उन सावधानियों को आप बरतते हैं तो आपकी कोई भी परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सबसे पहली बात, मेष राशि वालों के लिए 2018 के अक्टूबर माह में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जैसे आपको वर्तमान में अक्टूबर माह में आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर पैरों से संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी। यदि ऐसा होता है तो मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। उन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। उपाय नोट कर लीजिए दोस्तों, 400 ग्राम गुड़ एक तांबे के लोटे में भर कर रख दीजिए। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद लाल कपड़े से उस लोटे को मुंह को बांध दीजिए। बांधने के बाद आपको क्या करना है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाइए और उसको मंगलवार के दिन ही दो